अस्सलाम वालेकुम। 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, और आज हम देखने लगे हैं इसका टॉपिक नंबर 5 है, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हम देखने लगे हैं कि हम कोई भी प्रोग्राम लिखें तो लिखने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्या हम उसे उर्दू में लिख सकते हैं, या क्या हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्या उसकी कोई अपनी लैंग्वेज है जिसमें हम लिखेंगे। तो प्रोग्राम ना हम उर्दू में लिख सकते हैं, ना हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, ना हम किसी और ज़बान में लिख सकते हैं। तो जैसे इंसानों की अपनी अपनी ज़ुबान होती है, वैसे ही कंप्यूटर में प्रोग्राम्स लिखने की अपनी अपनी ज़ुबान होती है, तो वही हम देखने लगे हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो मेन दो लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग की, और वो कौन कौन सी हैं, एक है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ये दो मेन लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती हैं। और जो लो लेवल लैंग्वेज है, इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। एक है मशीन लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान होती है, और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान नहीं होती। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसकी कोई फर्दर सब कैटेगरी नहीं है। इसकी इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं जो हम देखेंगे, जैसा कि सी लैंग्वेज जो है वो भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लो लेवल लैंग्वेज क्या है, उसके बाद हम देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। तो पहले हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज है क्या और क्यों यूज़ करते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज, ये है टॉपिक 8.5.1। तो बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, और ये हमारे लिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे लिए इसके अंदर काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना इजी होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर, मैंने जैसे बात की, लो लेवल लैंग्वेज में पहली जो कैटेगरी है उसका नाम है मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम हर काम 0-1 की फॉर्म में कर रहे होते हैं, मतलब बाइनरी फॉर्म में करते हैं, और हमारे लिए बाइनरी लैंग्वेज सीखना आसान नहीं है। हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है बाइनरी लैंग्वेज सीखना। बाइनरी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम करेंगे क्योंकि डिफ़िकल्ट है, इसमें एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जब एरर आएंगे तो उसको फिर निकालना होगा, वो उससे मुश्किल काम है। तो हम कोडिंग करें फिर भी एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद उन एरर को निकालना उससे डबल काम है। तो इसलिए हम जब मशीन में प्रोग्रामिंग करने की बात आती है, तो अक्सर जो प्रोग्रामर होते हैं वो प्रोग्रामिंग नहीं करते, वो चले जाते हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि मशीन लैंग्वेज से, जो बहुत मुश्किल है, इससे हम थोड़ी सी ईजी लैंग्वेज बना लेते हैं जिसमें हम कोडिंग करेंगे। तो फिर एक स्टेप उठाया और हमने एक लैंग्वेज बना दी जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज है, और ये है, ये इसी का पार्ट है असेंबली लैंग्वेज। ये थी प्योरली 0101, कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान थी, और जब कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान है तो इसलिए हमें कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रही है क्योंकि हम दोनों की सेम लैंग्वेज है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई और लैंग्वेज बोलने लग जाऊँ, जैसे चाइनीज़ बोलने लग जाऊँ, या इसी तरह कोई और लैंग्वेज बोलने लग जाऊँ जो आपको समझ नहीं आती, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा जो आपको मेरी ज़ुबान समझाएगा और आपकी मुझे समझाएगा। तो अगर हमने फिर आपस में कम्युनिकेशन करनी होगी तो फिर हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह जो असेंबली लैंग्वेज है वो कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये 0-1 की फॉर्म में थी और हमें अंडरस्टैंड, हमें इसमें कोड करना मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए हमने थोड़ी सी इजी लैंग्वेज उठाई जिसका नाम था असेंबली लैंग्वेज। इसमें हम कोड कर सकते हैं और इजी कर सकते हैं, इसमें प्योरली 0-1 नहीं होता, इसमें इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते हैं, और इसलिए इसको बोलते हैं निमोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। अक्सर इसको निमोनिक्स के नाम से भी जानते हैं, निमोनिक्स। ये जो M है वो साइलेंट है, इसको निमोनिक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन ये इतनी भी आसान नहीं है, लेकिन अगर मशीन लैंग्वेज से कंपेयर करें तो आसान है। अब ये कंप्यूटर के लिए समझ लेने के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि कंप्यूटर को समझ नहीं आनी, तो हम क्या करेंगे, इस लैंग्वेज को हम चेंज करेंगे मशीन के अंदर ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कर सके, और इसके लिए हम ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे जिसका नाम है असेंबलर।
असम्बलर एक ट्रांसलेटर होता है जो असम्बली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा होता है वो उसको चेंज कर देता है 0101 के अंदर, मतलब मशीन कोड के अंदर। और ये लाजमी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करे तो हमें 01 में चेंज करना ज़रूरी है। तो ये था लो लेवल लैंग्वेज, एक किस्म की मशीन लैंग्वेज, दूसरी असम्बली लैंग्वेज। अब हम देखने लगे हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है कि हमने मशीन लैंग्वेज को छोड़ दिया, उसके बाद हमने असम्बली लैंग्वेज को भी छोड़ के हम इसकी तरफ क्यों आ रहे हैं, ये हम देखते हैं। जैसा कि मैंने बात की, सबसे मुश्किल लैंग्वेज होती है हमारे पास मशीन लैंग्वेज, उससे आसान आई असम्बली लैंग्वेज। हमने उससे भी आसान एक लैंग्वेज है जिसका नाम है हाई लेवल लैंग्वेज। ये प्योरली इंग्लिश में होती है, इसमें डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, 01 तो बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए हमें ये याद रखना इजी होता है, इसमें कोड करना इजी होता है। कल को कोई एरर आ भी जाता है तो उसको हम इजीली हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम डीबग कर सकते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में हर काम इसमें इजी है। और जब हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसको इसमें प्रोग्राम करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है तो आप उसको देख के थोड़ा सा ये मतलब जज कर सकते हो कि इसका आउटपुट क्या आएगी, लेकिन वही अगर मशीन में लिखा हो तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि इसका मतलब क्या है। असम्बली में लिखा हो तो आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो, लेकिन अगर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ तो आप ईज़िली बता सकते हो कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड लिखते हैं, कोई भी चीज़ हम हाई लेवल के अंदर लिखते हैं। और क्योंकि ये भी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ नहीं आती, तो हमें इसको चेंज करना पड़ता है 01 के अंदर, और 01 में चेंज होके जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड, ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। सोर्स कोड एक ऐसी फाइल होती है जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखी होती है, इसको चेंज करते हैं ट्रांसलेटर के थ्रू, किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में। और हमारे पास दो ट्रांसलेटर हैं, एक का नाम है कंपाइलर, इस काम के लिए हम यूज़ करते हैं कंपाइलर, और दूसरा इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं इंटरप्रेटर। दोनों का काम सेम ही है कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर चेंज करना। कंपाइलर जो है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, इंटरप्रेटर स्लो होता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा कंपाइल कर देता है, इंटरप्रेटर जो है वो एक एक करके एक एक लाइन को करके जो है मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। और जैसा कि हम इस चैप्टर में जो टर्बो सी प्लस प्लस है वो कंपाइलर है, वही तो पढ़ रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं और उनके पर्पज़ क्या हैं। क्या सारी लैंग्वेजेस एक ही पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं या प्योरली कोई उनका कोई ख़ास पर्पज़ भी है। जैसा कि हम बात करते हैं पहले सी लैंग्वेज की और सी प्लस प्लस की। इस जो हमारा कोर्स है उसमें सी लैंग्वेज है, तो जो सी लैंग्वेज का एडवांस फॉर्म है वो सी प्लस प्लस है। ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेजेज़ हैं, इसमें कोड करना बहुत ईजी होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप एक हफ्ते में अगर सीखना चाहो तो सीख सकते हो। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये प्योरली बनाई गई है, अगर आपको कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, उसकी कोडिंग करनी है, तो उसके लिए ये प्योरली लैंग्वेज यूज़ होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका पर्पज़ क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, इस तरह के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उसको अगर हमने बनाना हो तो उसके लिए जो बैक पे लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो कौन से हम करते हैं, सी या सी प्लस प्लस। इसी तरह हमारे पास और लैंग्वेज आती है जिसका नाम है फोरट्रान। ठीक है, फोरट्रान भी इसी में आती है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, और इसका काम है कि जहाँ पर हमें कैलकुलेशन से रिलेटेड एप्लीकेशंस बनानी होती हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फोरट्रान। मतलब मैथमेटिकल आपने काम काफ़ी ज़्यादा करना है, कोई जैसे कैलकुलेटर से रिलेटेड आपने कोई ऐप बनानी है या वेदर से रिलेटेड जिसमें आप कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा करनी है, तो ऐसी कोई भी एप्लीकेशन बनानी है जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है मैथमेटिकल, वहाँ पर आप यूज़ करते हो फोरट्रान। इसी तरह हमारे पास एक और कोबोल एप्लीकेशन, कोबोल एक लैंग्वेज आती है जिसका काम है बिज़नेस एप्लीकेशंस बनाना। जैसे अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप कोबोल में इजीली बना सकते हो, कोबोल फॉर बिज़नेस एप्लीकेशंस। ठीक है, अगर बिज़नेस रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो उसके लिए ये प्योरली उसके लिए लैंग्वेज बनाई गई है कोबोल, और इसमें आप इजीली कोई भी बिज़नेस रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हो।
इसके बाद हमारे पास लास्ट है एग्जांपल एक जावा, ये आपने काफ़ी नाम भी सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है जावा लैंग्वेज। इसमें अगर आपने कोई भी नेटवर्क से रिलेटेड एप्लीकेशन बनानी हो, जैसे क्रिक इन्फो है हमारे पास, वो हमें क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन देती रहती है, इसी तरह हमारे पास व्हाट्सएप है, इमो है, इसी तरह फेसबुक है, जितनी भी एप्लीकेशन है जो नेटवर्क के साथ चल रही होती हैं, उन एप्लीकेशन को बनाने के लिए सबसे अच्छी जो हमारे पास लैंग्वेज है वो हमारे पास जावा है। इसकी जो पावर कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है नेटवर्क से रिलेटेड एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो इसलिए हम कहते हैं यूज़ होती है नेटवर्क नेटवर्किंग एप्लीकेशंस बनाने के लिए सबसे बेस्ट है जावा। तो ये कुछ लैंग्वेजेस थी, इसके अलावा और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, उसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे लिए लैंग्वेज आसान कौन सी है और मुश्किल कौन सी है। तो अभी तक हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेज सबसे आसान तरीन है, और क्यों? क्योंकि इसमें इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं और हम ये देख के ही प्रोग्राम जो है पता चल जाता है कि इसमें है क्या। तो पहला पॉइंट आ गया, अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो पहला पॉइंट है ईजी टू अंडरस्टैंड। सील जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसका भी हमने एक बेनिफिट देखा था कि इजी टू यूज़ होती है, मतलब हम इसमें कोड कर रहे हैं बहुत इजीली हम कोड कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है कोड करना। और इसके बाद है अगर हम प्रोग्राम हम इसमें हाई लेवल में लिख रहे हैं तो वो इजीली हम क्या कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं। डीबग मीन्स अगर इसमें कोई एरर आ जाता है तो हम इजीली उसको ढूंढ सकते हैं कहाँ पे एरर है, फिर उसको रिमूव कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद है कि अगर हमने प्रोग्राम को मॉडिफाई करना हो, मॉडिफाई मींस अगर हमने प्रोग्राम को अपडेट करना है, जैसे आपको पता है क्योंकि हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन है जैसे व्हाट्सएप है वो थोड़े दिन बाद अपडेट्स आती रहती हैं, या कोई भी हमारे पास एप्लीकेशन है वो एक उसका वर्जन नहीं रहता, वो चेंज होती रहती है, उसमें कोई चीज़ ऐड हो गई या जो चीज़ है उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर हमने कोई चीज़ किसी चीज़ को मॉडिफ़ाई करना है तो वो भी हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ईजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इसके बाद है कि क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज के जो है वो ह्यूमन के लिए इजी होता है, हम इसको चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर, और जो कंपाइलर है वो भी बहुत इजीली आपको कंपाइल करके दे देता है, हमने बस कोड लिखना है उसके बाद कंपाइल का बटन दबाना है और उसके बाद रन करना है तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो तैयार है। अगर एरर आ रहा है वो भी हमें कंपाइलर बताता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा कि अगर हमारे पास एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है या रन टाइम एरर आ रहा है, वो दोनों एरर जो हैं वो कंपाइलर हमें बताता है, लेकिन तीसरा जो एरर है लॉजिकल एरर वो हमें कंपाइलर नहीं बताता, लेकिन वो हम इजीली देख सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद आता है एक पॉइंट कि अगर हम मशीन लैंग्वेज पे काम करते हैं या असेंबली लैंग्वेज पे काम करते हैं तो हमें हार्डवेयर का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो हार्डवेयर पे डिपेंडेंट होती है, ये जो लैंग्वेज है वो हार्डवेयर पे डिपेंडेंट नहीं होती। तो तीसरा पॉइंट आ गया कि मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मतलब हम जो हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट मतलब हमें अगर हार्डवेयर का इतना अच्छा सा नॉलेज नहीं है फिर भी हम इजीली हम कोई प्रोग्राम इसके अंदर लिख सकते हैं, चाहे हम इंटेल की मशीन पे काम कर रहे हैं, चाहे मोटरोला की मशीन पे काम कर रहे हैं, किसी भी मशीन के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आप इजीली काम कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ी सी आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़े, लेकिन आपको पूरा प्रोग्राम नहीं चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो ये इसके बेनिफिट्स थे, और ये है कि प्रोग्रामिंग जो है आपको इजी करनी पड़ती है, मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बस इसका ये है कि क्योंकि प्रोग्राम ने ट्रांसलेट होना है मशीन के अंदर, इसलिए थोड़ा सा टाइम एक दफ़ा ज़रूर लगेगा। मतलब अगर हम कोड लिखते हैं इस लैंग्वेज के अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो इसने चेंज होना है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो जारी बात है जब ये चेंज हो रहा होगा इस लैंग्वेज के अंदर तो तब हमारा क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा चेंज होते, तो बस ये इसका डिसएडवांटेज है, अदरवाइज़ इसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे मशीन लैंग्वेज के अंदर तो वो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल होती है, तो कंप्यूटर का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा,
लेकिन अगर आप प्रोग्राम लिखते हो असेंबली लैंग्वेज के अंदर, तो असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं जानता लेकिन थोड़ा बहुत उसको अंडरस्टैंड करता है, तो इसलिए उसको जो चेंज करेंगे हम असेंबली के अंदर विद द हेल्प ऑफ असेंबलर थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो कंप्यूटर तो बिल्कुल ही इसको नहीं जानता, फिर वो चेंज करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये प्रोसेस करने के बाद। लेकिन अगर हम अपने पॉइंट से देखें, यूज़र के पॉइंट से देखें, तो इसमें कोडिंग करना, इसको डीबग करना, वो सारा काम बहुत ईजी है। तो आज यहाँ पे चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट में लाजमी शेयर करो ताकि मैं आपको पॉइंट क्लियर कर दूं। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।